हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं। आज का प्रोजेक्ट हमारा PHP के अंदर बेस्ड है। PHP पर हमने इसको बनाया हुआ है और इसका जो डेटाबेस है वो हमारा MySQL के अंदर स्टोर होगा यहाँ पर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 3 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, एक हमारा एडमिन, एक हमारा विजिटर और एक हमारा ट्यूटर। तो बेसिकली ये हमारा मैनेजमेंट टाइप प्रोजेक्ट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करने वाले क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम करने वाले क्या है कि जैसे आपने एक ट्यूटर होता है, ठीक है, तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अपने जो भी आप पढ़ाते होगे आप उससे रिलेटेड अपने सब्जेक्ट या उसके डिटेल्स आप एक वेबसाइट पर डाल दोगे। वहाँ पर क्या होगा, जिस बंदे को ट्यूशन्स पढ़नी होगी तो वो वहाँ पर जाकर उस वेबसाइट को विजिट करेगा और उस कोर्स से रिलेटेड अपनी इंक्वायरी को चेक करेगा और वो मैच करेगी तो वो उस बंदे को कॉल या उसको मैसेज कर देगा। जैसे कि देखो, अब मैं एक नया बंदा आया हूँ, मैं एज ए ट्यूशन के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट पर आया। यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको उससे रिलेटेड डालना होगा, ट्यूशन से रिलेटेड। और आप इस प्रोजेक्ट को एज ए रियल लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इसको आप होस्ट करके अपने अकॉर्डिंग मतलब इसको मैनेज कर सकते हो। फिर तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एज ए ट्यूटर, मुझे को ट्यूटर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर ट्यूटर के नाम्स होंगे, जो भी ट्यूटर्स होंगे उनके यहाँ पर नाम्स होंगे। तो मैं एक अभी एज ए ट्यूटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, ठीक है, ऋषभ, और ये होगा हमारा ऋषभ@gmail। लास्ट नेम हम लिख देते हैं डिकोडिट, अपने चैनल का नाम डिकोडिट, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बात है, अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसे प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है या आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप यूट्यूब पर जाकर डायरेक्टली डिकोडिट भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर डालना है डिकोडिट, तो फर्स्ट नंबर पर जो चैनल आएगा वो अपना ही चैनल होगा, ये रहा। और इस पर हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और अभी हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी वीडियोस डालें, जिसको जावास्क्रिप्ट देखनी है वो भी देख सकता है। अदरवाइज प्रोजेक्ट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी है यहाँ पर, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। हमने एक एज ए ट्यूटर को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इस वेबसाइट पर, तो हम इसका पासवर्ड भी अपना नाम ही रख देता हूँ मैं इसमें, ताकि ये ईजी रहेगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। एज ए ट्यूटर मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अभी मेरे को क्या इसमें डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी पड़ेगी अपनी, और मेल फीमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि जो भी बंदा वहाँ पर सर्च करेगा उसको कॉन्टेक्ट नंबर दिखे। एड्रेस इंडिया डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशलिस्ट मैं किस चीज़ में हूँ, मैं स्पेशलिस्ट मैं डेटाबेस से कुछ डाल देता हूँ, ताकि मेरे को याद नहीं है क्या क्या वहाँ पर डालना है। तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ कोर्स लिस्ट में, कुछ नहीं पड़ा अभी, यूज़र ट्यूटर, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यार। मैं स्पेशलिस्ट कोर्स लिस्ट चेक करते हैं, या अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ स्पेशलिस्ट में, यार ऐसा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ इसमें जावा, PHP, Node.js और C++, एंड्रॉयड और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपको मनमर्जी करे वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, सो आई एम ए टीचर, ताकि जो भी बंदा देखेगा वहाँ पर उसको वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जो भी नया बंदा देखेगा, ठीक है। आई एम ए टीचर, जो भी लिखना है आपको, XYZ, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, तो हमारी डायरेक्टली जो अकाउंट होगा वो डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। अब हमारे को अप्रूवल चाहिएगा एडमिन से अपनी पर्सनल डिटेल, और आपको वहाँ पर शो करने के लिए कि आपकी अकाउंट एक्टिवेट होगा नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी एज ए ट्यूटर हम प्रोफाइल बना चुके हैं, अब हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। हमारा कोई भी कोर्स एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिव कितने हैं, कोई क्वेरी आई हुई है नहीं आई हुई, ये सब चीज़ कहाँ से आएगी, इंक्वायरी हमारी आएगी जब हम अपने कोर्स को अपलोड करेंगे या अपनी प्रोफाइल हमारी कोई भी बंदा चेक करेगा। और यहाँ पर भी आप इमेज अपडेट कर सकते हो। सो मैं कोर्स ऐड कर लेता हूँ अपना, ठीक है। ऐड ए न्यू कोर्स, कोर्स का नाम होगा हमारा फन स्टडी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी हम यही लिख देते हैं, फन स्टडी। एक्सपीरियंस है 3 साल का इसके अंदर, एक्टिवेट है कोर्स, और जो मर्जी इमेज लगा दो यार। ठीक है, एन एरर, क्या एरर दे रहा है ये? आई थिंक इमेज का एरर दे रहा होगा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। रिफ्रेश करते हैं। हाँ, वो इसने इमेज को एरर दे दिया उसने, क्योंकि हमारी इमेज क्या थी, उस साइज़ से ज़्यादा थी। इंक्वायरी, हमारे पास कोई इंक्वायरी नहीं है। एक एक्टिवेट कोर्स है, एक और हम कोर्स बना देते हैं, उसको हम इनएक्टिव कर देंगे, इंडिया फन। इसका भी डिस्क्रिप्शन ही रख देते हैं। इसमें एक्सपीरियंस हमें 2 साल है, इसको इनएक्टिव कर देते हैं। उसको सेव किया, इसमें कोई एरर नहीं दिया इसने। चलो हम इसको पहले अप्रूवल भी कर देते हैं, इस प्रोफाइल को। हम जाके कहाँ पर, एडमिन पर। मैंने एडमिन को इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो रिफ्रेश करते हैं, वेटिंग फॉर टू अप्रूव ट्यूटर्स। तो इंक्वायरी लिस्ट, ये तो यूज़र्स हो गए, इंक्वायरीज, हाँ ये आई हुई यहाँ पर, ये भी नहीं है। ये लिस्ट, ये वेरीफाइड है, ये अप्रूवल के लिए रखे हुए हैं 2, एक तो अप्रूवल के लिए जिसको अप्रूवल करना है, और एक अप्रूवल के लिए भी आया हुआ। एक तो हम इसको क्या 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 कर सकते हैं, ये दिखा देता हूँ आपको। एडमिन एडिट पे जाएगा, उसके प्रोफाइल को चेंज कर सकता है जो उसने करना है, या उसको डाल सकता है कि एक्सपीरियंस 5 ईयर, जो मर्जी एडमिन को डालना है वो डाल सकता है। पर सेव करेगा, अब उसकी प्रोफाइल में चेंज ये हो चुका होगा। अगर इसको देखने के लिए हम वापस उसकी प्रोफाइल पर आते हैं, देखो ये इसकी प्रोफाइल, और यहाँ पर आ गया एक्सपीरियंस 5 जो कि एडमिन ने ऐड किया है अभी। तो एडमिन यूज़र की प्रोफाइल जो मर्जी चेंज कर सकता है उसके अंदर, एडिट, डिलीट और अपडेट स्टेटस। उसका स्टेटस अपडेट कर देते हैं, उसका पेंडिंग पड़ा है, वेरीफाइड, इनएक्टिव या ब्लॉक, इन 3 में से एक करना है उसको। वेरीफाइड करके सेव कर देते हैं और बैक टू लिस्ट। अब वो वेरीफाइड हो चुका है। एक यूज़र सीए है, मैं इसका दिखा देता हूँ, इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। देखो इस यूज़र को हम जो मर्जी चाहे यहाँ पर उसकी प्रोफाइल चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने इसको क्या करना है, हम इसको कर देते हैं इनएक्टिव, और ये भी सेव कर देते हैं हम। इसका स्टेटस आएगा ब्लॉक, क्योंकि ये अभी हमने ब्लॉक कर दिया है, ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास एडमिन का ऑप्शन है। एडमिन और क्या देख सकता है, कोर्स लिस्ट देख सकता है। ये कोर्स जो कि अभी बनाए हुए हैं वो कोर्स भी देख सकता है जो अभी मैंने ऐड किए हैं। देखो ये 2 कोर्स ऐड किए हैं, एक इनएक्टिव है और एक एक्टिव है। एडमिन इसको एक्टिवेट भी कर सकता है अगर चाहे। ये एडमिन इसको कोर्स को एक्टिवेट करना चाह रहा है तो उसको कोर्स को ऐड करके, ठीक है, इसको इनएक्टिव, ये रहा प्रोफाइल कहाँ गया, ये रहा, इसको इनएक्टिव एक्टिव कर सकता है। ठीक है, इसको एक्टिव कर देता हूँ मैं, इसको भी। तो देखो दोनों कोर्स हमारे एक्टिव हो गए। मैं इसको फिर से इनएक्टिव ही कर देता हूँ। तो एडमिन, सारी अथॉरिटी एडमिन के पास, वो जो मर्जी कर सकता है। अभी ट्यूटर लिस्ट, अभी हमारे पास ये होगी ट्यूटर लिस्ट, कोई इंक्वायरी आई हुई है। अभी यहाँ पर वो इंक्वायरीज आएगी जो हमारे यूज़र्स ऐड करेंगे। यूज़र्स लिस्ट में ये 2 यूज़र्स हैं, स्टाफ्स हैं, ये सेटिंग है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन, या हम जो भी मर्जी चेंज करना चाहे वहाँ पर डाल सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज दिखता है वेबसाइट का। तो चलो अब आते हैं मेन यूज़र के साथ में। जो हमारा मेन यूज़र होगा उसको कैसा दिखेगा, कोर्स हो गया, इंक्वायरी कोई है नहीं, प्रोफाइल ये होगी हमारी एक्टिवेट, अब तो आई थिंक एक्टिवेट हो गई है। अकाउंट इज़ नॉट वैलिडेट, प्लीज़ मेक श्योर द अकाउंट इज़ पर्सनल, अब हो चुका आई थिंक, ये वैलिडेट हो चुका है। बट आई नो, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने एक्टिवेट हो चुका है, इसने 2 एक्टिवेट है। ठीक है, इसको भी लॉग आउट करके देखते हैं हम, क्या हमारा कोर्स वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ये आ गया, हम यहाँ पर, वो एक्टिवेट हो गया वहाँ पर। तो मैं इसकी प्रोफाइल चेक करूँगा, मेरे को लगा कि भाई ये बंदा मेरे को पढ़ा सकता है, एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, ये कोर्सेज है इसका। एक कोर्स उसका इनएक्टिव है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं इसको भी इंक्वायरी भेजता हूँ। मेरा नाम है ऋषभ, मेरी मेल आईडी है ये, मेरे को नंबर है ये, आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, या जो मर्जी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और सेंड क्वेरीज, ये जाएगी क्वेरीज किसके पास, पहले एडमिन के पास जाएगी, ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी हमारी यूजर्स के पास जानी चाहिए, एडमिन के पास, दोनों के पास जानी चाहिए। तो ये आगे, एक तो ये आगे एडमिन के पास। अभी अनरीड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी उस यूज़र ने इसको रीड नहीं किया जिस यूज़र के पास आई हुई है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ ब्लॉक भी कर सकता हूँ, अभी से डिलीट भी कर सकता हूँ बिना देखे ही। अब वो यूज़र जो होगा इसको ओपन करके चेक करेगा कि क्वेरी क्या थी, ऋषभ के नाम से ही आई थिंक हमने इसको पासवर्ड डाला था। हाँ देखो एक क्वेरी आ गई उसके पास, एक कोर्स उसका इनएक्टिव है और एक कोर्स का एक्टिवेट है। यहाँ पर वन आ गया, शाइन वन नोटिफिकेशन आ गया वन। तो यहाँ पर उसको अगर रीड करना चाहे रीड कर सकता है, ये इस कोर्स के लिए आई है, उसका नेम ये है, नंबर ये है। अब इसको कॉल कर सकते हो, डिलीट योर बैक। अभी वो रीड हो चुकी है तो वहाँ पर रीड ऑटोमेटिक ही आ गया है, और हमारा एडमिन पर भी रीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो देखो हमारा ऑटोमेटिक एडमिन के पास भी आ गया। तो इस प्रोजेक्ट का हमारा जो मेन है ये फोकस रहेगा हमारा, एक तरह से जो हमारे ट्यूशन या किसी भी कोर्स को सेल करना चाह रहे ऑनलाइन, ठीक है, तो वो अपनी डिटेल्स उससे रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड डाल देंगे और उसको वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जो बंदे को इंटरेस्ट होगा उस वेबसाइट पर जाएगा, और वो वेबसाइट पर जाने के बाद जितने भी यहाँ पर कोर्स दिखेंगे वो उनसे रिलेटेड उनको चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर और भी ऐसी प्रोफाइल्स ऐड होती रहेगी, तो यहाँ पर दिखती रहेगी वो जिस बंदे की भी यहाँ पर प्रोफाइल ऐड होगी। सो अगर इस प्रोजेक्ट का कोड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से आप इसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल। तो अगर आपको ये सोर्स कोड अच्छा लगा या किसी को इसके, हाँ आई थिंक इसका सर्च का ये चेक नहीं किया हमने, सर्च को चेक कर लेते हैं एक बारी। ये एक प्रोफाइल आ गई हमारी, तो हमारे नेम से तो आ रही है। अब हम चेक करके देखते हैं क्या प्रोजेक्ट नेम से भी आ रही है। जैसे मेरे को अगर प्रोजेक्ट करना है जावा का सर्च, क्या तब भी आ रही है? हाँ तब भी आ रही है। और अगर हमने करना है कुछ और सर्च, देखते हैं कि दूसरी प्रोफाइल पर क्या है, उसके बाद देखते हैं। हम इस प्रोफाइल पर हमारा है HTML सर्च करके देखते हैं अगर प्रोजेक्ट नेम। ओके तो हमारा सर्च भी काम कर रहा है, वो भी प्रोजेक्ट मतलब कि कोर्स नेम से या फिर यूज़र नेम से। अगर इसका कोर्स नेम पाइथन है, हम इसको चेक करके देखते हैं। पाइथन आई थिंक इसके पास भी है, इसके पास जो इसके पास नहीं हो ऐसे क्या है, SQLite, इसको डालते हैं हम। अब एक ही प्रोफाइल आई है, वो भी कोर्स नेम से, स्पेशलिस्ट है, तो ये भी इसका बेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आपको चाहिएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा वहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी।